असलम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद महमसूद दिस इज़ क्लास नंबर एट ऑफ इंट्रोडक्शन टू पी एच पी प्रोग्रामिंग टू टॉपिक्स आर इनपुट हैंडलिंग चैप्टर फोर हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर है सुपर uh, ग्लोबल्स या ऑटो uh, ग्लोबल्स आर एसोसिएट एसोसिएटिव एरे वेबल्स या सिंपल शॉर्ट फॉर्म में कह लीजिए ऑटो ग्लोबल या सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स ये बेसिकली एरे वेरिएबल्स होते हैं और इनको एसोसिएटिव इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो इंडेक्स यानी कि जो uh, होते हैं वो नंबर में नहीं बल्कि वो अल्फा uh, न्यूमेरिक होते हैं तो इसलिए इसको एसोसिएटिव एरे वेरिएबल्स कहा जाता है और आपको मालूम है एसोसिएटिव एरे जो थे वो कौन-कौन uh, से होते हैं डॉलर uh, अच्छा हमेशा जितने भी uh, जो ग्लोबल uh, वेरिएबल्स हैं वो हमेशा डॉलर साइन से शुरू होते हैं डॉलर सिंबल से डॉलर सर्वर डॉलर पोस्ट डॉलर गेट, डॉलर रिक्वेस्ट इस तरह से होते हैं तो इनकी एक पहचान ये भी है और हमेशा वो अपर केस में होते हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपको uh, जो बताया दो uh, तरह के तीन तरह के मैंने सुपर uh, ग्लोबल uh, जो एरे uh, वेरिएबल्स हैं वो मैंने बताए थे एक डॉलर सर्वर था एक डॉलर पोस्ट था और एक डॉलर गेट। बाकी जो है आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे जो रिक्वेस्ट है या फाइल्स है उनको हम आज हम देखते हैं तो सबसे पहले आप ब्राउजर पे जाइए वहां पर आप मेरी साइट को कॉल कीजिए सर मसूर डॉट कॉम और लेफ्ट साइट के ऊपर पी पी प्रोग्रामिंग का लिंक है इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पर चैप्टर जो है आपका वो है फोर यूजर इनपुट हैंडलिंग इसकी फाइल को व्यू कीजिए अच्छा ये बुक आप जो है उसको परचेज कर लीजिए अलहम बुक सेंटर पे जो है अपोजिट उर्दू साइंस कॉलेज वहाँ पर ये बुक अवेलेबल है तो वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं और चाहें तो आप ये मतलब ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्री आ, फ्री अवेलेबल है आप इसको चाहें तो डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं तो आपने असल में ऑटोगलोबल्स जो वेरिएबल्स होते हैं इनका बेसिक मकसद ये होता है कि डेटा को रिसीव करते हैं जो हम एस्टिमेट फॉर्म पर डेटा फॉर्म फीड करते हैं उनको वो ये रिसीव या गेट करता है तो देख लीजिए इनपुट हैंडलिंग के अंदर चैप्टर फोर है ये आपके पास यानी कि डॉलर सर्वर डॉलर पोस्ट डॉलर गेट डॉलर रिक्वेस्ट एंड डॉलर फाइल्स ये जो है आपके पास फाइव जो है ये आ, सुपर ग्लोबल्स या ऑटो ग्लोबल्स एरे वेरिएबल्स कहलाते हैं इनके अलावा दो और हैं एक कोकीज़ है और एक सेशन है उनको हम आगे जब आ, कुकीस और सेशन का चैप्टर आएगा वहाँ पर हम इनको पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल हमने सर्वर को पोस्ट को गेट को देख लिया आज हम रिक्वेस्ट को और फाइल्स को देखेंगे ठीक है जनाब अच्छा इसके अंदर नीचे आइए तो यहाँ पर आ, जी यह है डॉलर रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल एरे

कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म जो है वो अलग यूज़र जो है वो बनाता है या अलग जब कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है या वेबसाइट डिजाइन की जाती है तो उसमें पूरी टीम काम कर रही होती है तो सपोज करें कि जो फ्रंट फ्रंट एंड को जो डिज़ाइन कर रहा है वो जो टीम है वो अलग है और जो पीछे जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहा है वो टीम अलग है सपोज करें तो अब ये जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो कर रहा होता है वो अगर उसको ये नहीं मालूम के जो फॉर्म बनाया जाएगा या फॉर्म जो फ्रंट हैंड डिज़ाइन किया गया है उसमें फॉर्म सबमिट करते वक्त गेट का मेथड इस्तेमाल किया गया है या पोस्ट का किया गया है तो फिर क्या करें वो अगर सिर्फ पोस्ट के जरिए डेटा रिसीव करेगा तो फिर लाजमी है जो फॉर्म डिज़ाइन किया गया है उसमें जो मैथड इस्तेमाल करेंगे वो पोस्ट पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे और अगर ने कि जो सर्वर सर्वर uh, प्रोग्रामिंग जो कर रहा है अगर उसने गैड से डेटा रिसीव किया है तो फिर ज़रूरी है कि फॉर्म के ऊपर जब डेटा सबमिट किया जाए तो वो डॉलर गेट वो गेट गेट मेथड के जरिए किया जाए तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो कर रहा है शख्स उसको अगर ये मालूम ना हो तो फिर क्या करें तो फिर वो करता है क्या है कि वो uh, वो जो है एक डॉलर रिक्वेस्ट uh, से जो है डेटा रिसीव करता है इसका फ़ायदा ये होता है कि आप चाहे मेथड जो है वो पोस्ट इस्तेमाल करें या गेट दोनों सूरतों के अंदर रिक्वेस्ट जो है वो डेटा को रिसीव कर लेता है तो आज हम करते क्या है कि डॉल रिक्वेस्ट को इसको देखते हैं और इसको एक दफा प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं क्लियर तो कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ड्रीम पर जाइए लास्ट टाइम जो आपने फॉर्म बनाया था उसको उसी फॉर्म को हम देख लेते हैं और ये देख लीजिए आप, आपके पास इनपुट फॉर्म जो लास्ट टाइम आपने बनाया था वो उसको हमने ओपन कर लिया है ये हमने फॉर्म बनाया था सपोज करें इसके अंदर मैंने जो है यहाँ पर पोस्ट मेथड के जरिए मैंने जो डेटा है वो मैं सबमिट करूँगा ठीक है और फाइल का नाम क्या है सेंड डेटा वन सपोज क्या उसको आप सेंड डेटा टू कर लीजिए फिलहाल ओके okay? कि जो फाइल होगी वो सेंड डेटा टू से उसको आप, आप रिसीव करोगे और ये आपने इसमें दो चीज़ें आप इनपुट ले रहे हो एक आपने इनपुट लिया है नेम और एक आपने इनपुट लिया है फादर नेम ठीक है जनाब तो ये आपको याद होगा ये फॉर्म सिंपल आप लास्ट टाइम देख चुके हैं इसको मैं सेव कर लेता हूँ इनपुट फॉर्म के नाम से ही फाइल को सेव कर लीजिए आप और ये फाइल आपने सेव की है आ, सुपर ग्लोबल आ, जो आपके पास आ, एक फोल्डर था वहाँ पर आपने फाइल सेव की है और इसका नाम रखा है आपने इनपुट फॉर्म ओके ठीक है चुके फाइल मतलब मौजूद है इसको आप ओवराइड कर लीजिए यस कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब आप एक काम कीजिए दूसरी फाइल ओपन करें आप आ, जो है सेंड डेटा की ठीक है वन की फाइल आपने ओपन कर ली इसको सेव कर लीजिए के नाम से यही पर आप सेव कर लीजिए ठीक है है फाइल जिससे आप डेटा रिसीव कर रहे हैं और इनपुट फॉर्म से डेटा आप सबमिट करेंगे अब यहां पर आप नोट कीजिए मैं गेट इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं रिक्वेस्ट ई क्यू टी रिक्वेस्ट ये भी एक सुपर ग्लोबल या ऑटो ग्लोबल एसोसिएटिव एरे वेरिएबल है और ये आपने इस्तेमाल कर लिया और इसमें जो एसोसिएटिव एरे नेम है जो इंडेक्स नेम है वो है टी एक्स टी नेम जो कि आपने फॉर्म पे दिया था देख लीजिए आप इनपुट फॉर्म के अंदर आपने यहाँ पर टी एस टी नेम आपने दिया हुआ है ठीक है तो इसको टी एक्स टी नेम दे दीजिए और सेकेंड के अंदर भी आपने डॉलर एफ एफ एन ए वेरिएबल दिया हुआ है और यहाँ पे आप यूज करोगे डॉलर रिक्वेस्ट आर ई क्यू यू एस टी रिक्वेस्ट जितने भी आपके पास आ, अगर आ, आप डेटा सबमिट कर रहे हो फॉर्म के थ्रू तो जितने भी आपने वेरिएबल लिए हुए वो यहां पर आप वन बाय वन उनको ले लेंगे तो यहाँ पर जो आपने एसोसिएटिव इंडेक्स नेम है वो है टी एक्स टी एफ नेम ओके जनाब तो ये दो आपने ले लिए और यहाँ पर आपने प्रिंट करवा लिया वेलकम डॉलर एन ए यानी कि जो टी एक्स टी नेम है वो नेम उठ के किस में सेव हो जाएगा डॉलर एन ए के अंदर हो जाएगा और टी एक्स टी फादर नेम जो एफ नेम है फादर नेम जो आप इनपुट करोगे वो डॉलर एफ एन ए में सेफ हो जाएगा और नीचे आपने लिख दिया योर फादर नेम इस काम थोड़ा सा और कर लीजिए इसको आप हेडिंग नंबर टू से डिस्प्ले कर लें फिलहाल और यहाँ पर आप एक और मैसेज प्रिंट करवा लीजिए प्रिंट और आप कहते हैं यहाँ पर कि एच वन डेटा रिसीव सिर्फ समझने के लिए लिख दिया मैसेज डेटा रिसीव फ्रॉम डॉलर रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल एरे वेरिएबल्स क्लियर तो ये आपने सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दिया ताकि आपके ऊपर टॉप के ऊपर ये मैसेज लिखा हुआ है और फाइल को आप दोबारा सेव कर लीजिए आप ठीक है अब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए अच्छा एग्जीक्यूट करने से पहले आप आ, सी ड्राइव में जाइए सी ड्राइव के अंदर जैम में जाइए और जैम के अंदर जो आपका कंट्रोल पैनल है जैम का उसको रन कर लीजिए आप

जो फॉर्म था वो डिजाइन होकर सामने आ गया है नेम आपसे इनपुट ले रहा है फादर नेम इनपुट लेगा आप सबमिट करेंगे नेम सपोज करें मैं इस वक्त इनपुट कर देता हूँ कामरान अहमद और फादर नेम देता हूँ मैं रिहान अहमद ओके और यहाँ पर सबमिट कीजिए तो देखें क्या होता है इसने एरर शो किया लाइन नंबर सेवन के ऊपर सेंड डेटा टू के अंदर कि देख लीजिए अगर इस तरह से कोई एरर आ जाए तो आप चेक कर लीजिए इसने जो एरर दिया है पर्स एरर सेंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड प्रिंट जहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है और लाइन नंबर कौन सी है सेवन uh, है और जो फाइल का नाम है वो सेंड डेटा यानी एरर जो है वो सेंड डेटा टू की फाइल के अंदर है तो आप क्या करोगे आप दोबारा से आप ड्रीम पेपर में जाइए यहाँ पर आप सेंड डेटा टू की फाइल को आप देख लीजिए कि इसमें लाइन नंबर सेवन पर क्या लिखा हुआ है प्रिंट एच लिखा हुआ है आपने और अच्छा हाँ ठीक है आपने क्या किया है कि लाइन नंबर सिक्स के ऊपर आपने जो प्रिंट uh, की स्टेटमेंट लिखी है इसको आपने लास्ट uh, के अंदर आपने सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर लीजिए या इस स्टेटमेंट को आपने कंप्लीट नहीं किया याद रखिएगा कि जब कि किसी कोई भी स्टेटमेंट जब लिखी जाती है uh, तो उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको टर्मिनेट करने के लिए आप सेमी कॉलम को uh, का, uh, का सिंबल इस्तेमाल करते हो ठीक है अब आप उसको फाइल को दोबारा सेव कर लीजिए अब आप प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए चाहे तो यहीं पर रिफ्रेश कर लीजिए देखें इसका आंसर क्या आता है कंटिन्यू कीजिए देखें लिखा हुआ आ रहा है अभी भी इसने देखें एरर दिया है और लाइन नंबर सिक्स पे दिया है उसको हम चेक कर लेते हैं लेकिन खैर मैसेज देख लीजिए आप डेटा रिसीव फ्रॉम एर सुपर ग्लोबल एयर वेरिएबल जो हमने हेडिंग दी थी वो लिखी भी आ गई है वेलकम कामरान अहमद हमने नाम दिया था कामरान अहमद वो उसने इनपुट ले लिया है और योर फादर नेम इज़ रिहान अहमद उसने रिहान अहमद भी इनपुट ले लिया है लेकिन ये जो एरर दिया उसने लाइन नंबर सिक्स पे इसको चेक करते हैं कि इसने यहाँ पर यह एरर क्यों दिया है ठीक है अच्छा लाइन नंबर सिक्स के ऊपर जो एरर है आई थिंक सो उसकी वजह ये कि आपने यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट जो लिखा है वो उसको एज ए कमांड के तौर पर कंसिडर कर रहा है इस वजह से ये एरर आपके यहाँ पर शो हो रहा होगा क्लियर तो फिर एक काम करें इस डॉलर रिक्वेस्ट को आपके चूँकि वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि डॉलर रिक्वेस्ट जो आपने लिखा है वो इधर भी लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर आप कोई आपने कल स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह नहीं दिया हुआ तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि कंपाइलर ये समझे जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है पच्चीस सर्वर कि ये इसको ऐसे कमांड के तौर तो पर कंसिडर ना करें तो आप इसको एक काम कीजिए डॉलर रिक्वेस्ट को मिला के लिख लें और इस्मोल में लिख लें आप ठीक है और डॉलर को भी बल्कि हटा ही दें आप डॉलर जो होते हैं वो बेसिकली उनको एज ए वेरिएबल कंसिडर किया जाता है याद रखिएगा हमेशा डॉलर साइन से जब भी कोई चीज शुरू करते हैं वो एज वेरिएबल किया जाता है तो अब आप लिख के देखें जरा और R, e, Q, U, e, S, T कर कोई ऐसा इशू नहीं है लेकिन आप अब आपने डॉलर का साइन सम्मान ले किया ये नोट कीजिएगा जब प्रोग्राम रन हो रहा था तो उस वक्त क्या था आप नोट कीजिएगा यहाँ पर देखें रिक्वेस्ट आपने मैसेज लिखा था डेटा रिसीव फ्रॉम एर सुपर ग्लोबल देखिए यहाँ पर आपने डॉलर रिक्वेस्ट लिखा हुआ था तो डॉलर रिक्वेस्ट जो है शो नहीं हुआ उसको उसने एज ए वेरिएबल कंसिडर किया और कंसिडर किया लेकिन आपने कोई इसमें कोई एसोसिएटिव एर नेम इंडेक्स नेम नहीं दिया इसलिए उसने लाइन नंबर सिक्स एरर एर एर दे दिया ठीक है अब आपने क्या किया सिंपल रिक्वेस्ट लिखा है पे ठीक है डॉलर का साइन आपने नहीं लिखा इससे क्या होगा इससे वो इस को एज ए वर्ड के तौर पर कंसिडर करेगा इसको एज ए रिक्वेस्ट वेरिएबल नहीं लेगा क्लियर अब इसको सब सेव कीजिए फाइल को और दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको बैक कीजिए ये आपका इसको रिफ्रेश कर लीजिए यहाँ पर नाम दे दीजिए सपोज में जावेद अहमद यहाँ पे दे दीजिए आप फिरोज अहमद सबमिट कीजिए देखें अब एरर भी नहीं आया और यहाँ नोट कीजिएगा कि जो आपने हेडी लिखी थी आपने डेटा रिसीव फ्रॉम रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल एरे वेरिएबल, तो जो रिक्वेस्ट का जो वर्ड था वो लिखा हुआ नहीं आ रहा था डॉलर साइन की वजह से उसको वो एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा था तो याद रखिएगा और चूंकि मैं उसको एज ए जस्ट लाइक एज ए वर्ड के तौर पर डिस्प्ले करना चाहता था तो मैंने क्या किया, किया कि वहाँ से डॉलर का साइन मैंने रिमूव कर दिया तो अब उसमें कोई एरर नहीं दिया और आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही uh, के रन uh, हो गया है और वो मैसेज भी ले दिया है कि ये जो डेटा रिसीव किया गया रिक्वेस्ट से किया गया अच्छा इसमें एक बार याद रखिएगा रिक्वेस्ट से आपने इसको रिसीव किया है लेकिन आपने जब इनपुट फॉर्म आपने जब इनपुट कर रहे थे तो वहां पर जो आपने मेथड दिया हुआ है वो पोस्ट दिया हुआ था अब ऐसा करते हैं इसको गेट कर लेते हैं सिंपल यानी कि अब आप जो फॉर्म इनपुट करोगे वो गेट की मदद से करोगे जब गेट की मदद से करोगे तो याद रखिएगा जो डेटा है वो गेट से ही रिसीव किया जाता है लेकिन रिक्वेस्ट में एक क्वालिटी है कि वो गेट किए हुए डेटा को अगर आपने फॉर्म जो सबमिट किया है उसमें मैथड आपने गेट इस्तेमाल किया है तो भी वो जो है वो रिसीव कर लेगा रिक्वेस्ट के अंदर ये फीचर है कि डॉलर पोस्ट और डॉलर गोस्ट डॉलर पोस्ट और डॉलर पोस गेट दोनों कमांड्स की वो एबिलिटी रखता है उसको सेव कर लीजिए और अब आप प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए अब क्या आपने गेट से प्रोग्राम के आपने डेटा फॉर्म को सबमिट करोगे बैक कीजिए इसको रिफ्रेश कीजिए अब क्या आपने डेटा दे दिया सपोज करें इमरान खान फादर ने दे दिया आपने रेहान खान डेटा सबमिट कीजिए देखें एरर अभी भी कुछ नहीं आया और आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो गया है क्लियर तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी आप डेटा रिसीव करें तो वहां पे डॉलर पोस्ट या डॉलर गेट की जगह पे डॉलर रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करें ज्यादा बेहतर है ज्यादा सुटेबल है क्लियर ओके जनाब तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई अब एक चीज और कि डेटा एक और तरीके से भी डेटा जो है इनपुट किया जा सकता है वो कैसे वो इस तरह से कि अगर सपोज़ के मैं फॉर्म के ज़रिए डेटा इनपुट नहीं करना चाहता यहाँ से फ़ाइल क्लोज़ कर लीजिए आप और इसको भी क्लोज़ कर लें फिलहाल ठीक है और अब आप जाइए मेरी जो बुक है उसको उसमें देखें ऊपर आप नोट कीजिएगा मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर जी, ये देखिए। uh, से जो जो है है, वो डेटा जो, uh, super global variable है, उससे आप करेंगे। लेकिन जो डेटा सबमिट करेंगे आप सबमिट के, के थ्रू नहीं करेंगे बल्कि वो हाइपर लिंक के जरिए आप डेटा सेंड करेंगे क्लियर यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर पे जाते हैं और और वहाँ से डेटा लेकर जाते हैं लेकिन विदाउट फॉर्म ने फॉर्म के ज़रिए नहीं बल्कि हाइपर लिंक के जरिए वो कैसे लेकर जाते हैं उसको ज़रा तो समझ लीजिए आप यहाँ पर देखिए आप आ, के इसको देखें क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल इन योर टैक्स एडिटर एक फाइल आप टैक्स एडिटर पर अपने फाइल क्रिएट करनी है और टाइप द बिलो स्क्रिप्ट एंड सेव द डॉक्यूमेंट माई इनपुट फाइल डॉट एच टी एम एल उसको सेव करेंगे माई इनपुट फाइल डॉट एच टी एम एल से ओके एस टी डॉक के अंदर एस टी डॉक फोल्डर के अंदर और वी हैव एन एज्यूमेल पेज दैट कंटेंट आइपर लिंक विद पैरामीटर किस तरह से करेंगे उसको देख लीजिए जरा यहाँ पर ये सिंपल एस्टिमल की फाइल है क्लियर इसमें ये सब आपको आई थिंक पता होगा कि एस्टीमल का जो कोड uh, लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एस्टिमेट लिख दिया आपने बॉडी लिख दिया आपने अब यहाँ नोट कीजिएगा ये एस्टिमेल का क्या है? एक टैग है जिसमें आपको हाइपर के बारे में हाइपर लगाया जा रहा है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहां पे कहा जा रहा है कि जी A, A का मतलब ओपन -E मतलब करो और इसको करो, तो साथ, में नेम के साथ एक वेरिएबल लिया नेम उस नेम के साथ आसिफ लेके जाओ और एंड पर्सन का मतलब के दूसरी वैल्यू यानी एफ नेम के साथ क्या लेके जाओ फरहान लेके जाओ क्लियर तो ये जो डेटा है वो आप सेंड कर रहे हैं किसके साथ सेकेंड डॉट पी एच पी की जब फाइल ओपन होगी उसके साथ आप ये दो डेटा ये जो है दो पैरामीटर कह लीजिए वो आप सेंड कर रहे हैं थ्रो बाय यू आर एल ओके और जब ये डेटा सेंड हो रहा होगा और ये मैसेज लिखा हुआ रहेगा क्लिक हेयर टू सेंड नेम एंड फादर नेम तो जब आप और देखिएगा जब ये हाइपर लिंक हमारे जब आ, आपके ब्राउजर पर नजर आएगा तो ब्लू कलर से ये एक हाइपर लिंक बना हुआ नजर आ रहा होगा क्लियर फिर आप क्या करोगे एक और फाइल बनाओगे किस नाम से सेकंड डॉट पी एच पी के नाम से अ न्यू डॉक्यूमेंट फाइल इन यूर टैक्सूमेंट से एस टी डॉक्स फोल्डर और उसमें क्या लिखोगे आप डॉलर गेट नेम और डॉलर गेट फादर नेम फादर नेम क्या रखिएगा एफ नेम जो वेरियबल यहाँ पे दिया आपने क्लियर जो वेरेबल आपने यहाँ दिया है वही वेरेबल यहाँ दोगे आप क्लियर इसको जहन में रखिएगा आप जो वेरिएबल ये है ठीक है और यही वेरिएबल देखें इधर भी है ओके इसी तरह से यहां देख लीजिए कि जो वेरिएबल आपने यहां दिया हुआ है एफ नेम या एड्रेस सिंबल के बाद एम परसेंट के बाद तो यही वेरिएबल आपने यहां पर भी आपने दिया हुआ है ओके okay? और फिर इन इन दोनों वैल्यू को आपने एक नेम के अंदर स्टोर किया और एक आपने एफ नेम वेरिएबल में जो पी एच पी का वेरिएबल इसमें स्टोर कर लिया और फिर यहां पर आपने उनको प्रिंट करवा लिया क्लियर तो इसको अभी हम करके देखते हैं सिंपल एक काम कीजिए काम ये कीजिए कि इस फाइल को यानी कि इस कोड को यहां से लेके यहां से इसको कॉपी कर लीजिए सिंपल इसी तरीके से मैं आपको इसको मजीद समझा देता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको ड्रीम के ऊपर पेश कर लीजिए ठीक है यहां पर कंपनी को ब्लॉक बनाइए और पेस्ट कर लें या सिंपल एक काम कीजिए आप पूरी फाइल को आप कॉपी मत करें सिंपल ये लाइन चूंकि आपका एस्टिमेट बॉडी सब लिखा हुआ होता है तो सिंपल ये जो एक टैग है एंकर टैग इससे कॉपी कर लीजिए और इससे भी कॉपी कंप्लीट कर ले, ले यहाँ तक और इसको जो है वहां पेस्ट कर लीजिए ड्रीमर के अंदर बीच के बॉडी के अंदर ओके ये आपने सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको नोट कर लीजिए ठीक है अच्छा इसमें जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं सेकेंड डॉट पी एच पी चल एक काम कर लेते हैं अभी फिलहाल हम इन वेरिएबल्स को भी यहां से रिमूव कर लेते हैं आपको समझाया था बहुत क्लियर इसको भी रिमूव कर लें ठीक है अभी तक जो इसमें जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें कोई भी यानी कि पी एच पी का या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल हुई सिंपल ये एंकर का टैग इस्तेमाल किया जिसका काम क्या है कि लिंक पैदा करना है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज ठीक है इस फाइल को सेव कर लीजिए फाइल का नाम रखें क्या क्या बताया था आपको माई इनपुट फाइल इसको सेव कर लें माई इनपुट फाइल ठीक है जनाब इसको सेव कर लिया आपने माई इनपुट फाइल ओके इसमें सिर्फ आपने एक आ, एक टैग इस्तेमाल किया है एंकर का जिसमें हाइपर लिंक दिया हुआ है और फाइल जो दी हुई है वो सेकेंड डॉट पी एच पी दी हुई है। ठीक है जनाब अच्छा और इसको इस फाइल को हम रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है तो आप ब्राउजर पर जाइए यहां पर लिखें आप सुपर ग्लोबल और सुपर ग्लोबल के बाद यहां लिख दीजिए आप माई इनपुट फाइल डॉट एस टी एम तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पर से लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू तुस, टू सेंड नेम एंड फादर नेम फिलहाल अभी नेम और फादर नेम कुछ भी सेंड नहीं हो रहा सिंपल एक फाइल आपकी जो है वो ओपन होगी उसका नाम आपने रखा है क्या उसको देख लीजिए आप उसका नाम रखा हुआ आपने सेकेंड डॉट पी अब ये फाइल अभी आपने बनाई नहीं है याद रखिएगा अभी अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा लिखा वाला ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड क्लियर क्योंकि सेकंड डॉट पीएचपी की फाइल मौजूद नहीं है अब एक काम कर लेते हैं आप आप एक फाइल और ओपन कर लेते हैं सेकेंड uh, इसको सेव कर लीजिए किस नाम से सेकेंड के नाम से सेव कर लीजिए सेकेंड डॉट पीएचपी ओके और इसमें सिर्फ आप क्या लिख दें सिंपल आप ये लिख दीजिए एक हेडिंग के तौर पर डेटा रिसीव फ्रॉम हाइपर लिंक ठीक है ये सिंपल मैंने वैसे लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है तो अब इसको आप सेव कीजिए और सेव करने के बाद प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो इसको बैक कीजिए इस क्लियर यहाँ पर जब क्लिक करेंगे अभी आपने नेम और फादर नेम कुछ सेंड नहीं किया सिंपल एक फाइल का आपने लिंक लगाया उस फाइल का नाम है सेकेंड डॉट पी एच पी जैसे ही इसको आप क्लिक करते हो अच्छा ऑब्जेक्ट डॉट फाउंड इसलिए आ रहा है कि हमने जो है वो बेसिकली सेकेंड डॉट एस्टिमेट की फाइल हमने ओपन की है हमने पी एच पी की फाइल ओपन नहीं की इसको बंद करें दोबारा से फाइल पर जाइए और न्यू कीजिए और पी की फाइल क्रिएट की कीजिए क्लियर और PHP की फाइल के अंदर यहां पर आप लिख दीजिए H1 वन डेटा रिसीव फ्रॉम हाइपर लिंक ठीक है ये आपने सिंपल ये लिखा हुआ है ओके okay. इसको सेव कीजिए उसका नाम रख दीजिएगा आप सेकेंड और PHP अब देख लीजिए ऊपर आपने जो नाम रखा हुआ है वो सेकंड डॉट पी, पी रखा हुआ है जो डेटा आप रिसीव कर रहे हो वो PHP फाइल के थ्रू रिसीव होगा जो डेटा सेंड करोगे वो एस टी एम के फाइल के जरिए के, के जरिए सेंड होगा ठीक है अच्छा अब हम दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं नोट कीजिएगा कि जैसे हमने क्लिक हेयर टू सेंड नेम एंड फादर नेम किया तो क्लिक कीजिए तो अभी सिर्फ क्या लिखा हुआ है डेटा रिसीव फ्रॉम हाईपर लिंग वो फाइल तो ओपन हो गए सेकेंड की लेकिन अभी डेटा रिसीव नहीं हुआ है अब डेटा कैसे रिसीव करेंगे तो पहली बात तो ये आपने डेटा भेजना है कैसे भेजेंगे इसका मतलब है कि सेकंड डॉट पी एच पी जब इतना लिखते हैं तो वो ये सेकंड डॉट पी एच पी की फाइल क्या होती है ओपन हो जाती है अब इसके साथ अगर आपने डेटा भेजना है तो आप क्वेश्चन मार्क दोगे क्वेश्चन मार्क के साथ वेरिएबल का नाम दोगे और उसके साथ जो डेटा आप देना चाहते हो जस्ट लाइक like आपने कहा तनवीर ठीक है और तनवीर अहमद दे दिया सपोज करें और इसके बाद फिर आपने एंड पर्सन का सिंबल लगाया और इसके बाद अगर दूसरा वेरिएबल देना चाहते हैं तो आपने कह दिया एफ नेम इक्वल टू वसीम अहमद ओके okay? तो याद रखिएगा आप Uh, एक सेकेंड डॉट पी एच पी जब फाइल ओपन करेंगे उसके साथ आप तनवीर का डेटा आप सेंड करना चाहते हो तनवीर अहमद का थ्रो बाय नेम और आप वसीम अहमद का डेटा पास करना चाहते हो थ्रो बाई एफ नेम ये एफ नेम एक वेरिएबल है और एक सिंपल नेम एक वेरिएबल है ओके okay, जनाब तो ये आपने सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है अब आप देखें क्या होता है फाइल को सेव कर लीजिए दोबारा से आप ब्राउज़र पर जाइए और बैक कीजिए जो आपका Uh, जो हाइपर लिंक uh, जो आपका इनपुट फाइल है उसमें जो ये मैसेज लिखा हुआ है अब क्लिक कीजिए जरा क्लिक हेयर टू सेंड नेम नेम एंड फादर जैसे आपने क्लिक किया नोट कीजिए फाइल तो ओपन हो गई डेटा रिट्रीव फ्रॉम हाइपर लिंक ओके लेकिन डेटा नहीं आया अच्छा नोट कीजिएगा आप यू के अंदर तो यहाँ पर देखें सेकेंड डॉट पी के साथ नेम के अंदर जो है तनवीर अहमद जा रहा है और एफ नेम के अंदर वसीम अहमद जा रहा है और जहाँ पर्सन का सिंबल है याद रखिएगा वो स्पेस को उससे पर्सन ट्वेंटी जो लिखा हुआ है वो स्पेस को वो के उसको शो कर रहा है कि यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है क्लियर अच्छा अब हमने करना क्या है सेकेंड डॉट पी एच पी जो फाइल ओपन हुई है उसमें डेटा रिसीव करना है रिसीव हमने अभी नहीं किया था सिंपल हमने मैसेज प्रिंट किया था अब क्या करोगे टॉप के ऊपर क्लियर यहाँ पर यहां पर आप एक काम कीजिए यहां पर आप लिख सकते हैं जो पी का सेक्शन है उसको ओपन कीजिए ओके ये पी okay? का सेक्शन आपने ओपन किया यहां पर डेटा रिसीव करना है आपने कहा डॉलर एन ए फॉर एग्जाम्पल और यहां पर दिया आपने डॉलर अंडर स्कोर और वेरिएबल का नाम था नेम याद रखिएगा ये जो नाम है Uh, जो आप दे रहे हो डॉलर uh, गेट uh, जो एसोसिएटिव एरे है याद रखिएगा इसके अंदर जो नाम दे रहे हैं वो वही नाम देंगे वही इंडेक्स नेम देंगे जो आपने uh, वहाँ पर uh, जो जो फाइल जहाँ से आपने डेटा को जो फाइल ओपन उप कर uh, जहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं जहाँ आपने वेरिएबल का नाम दिया था वही नाम यहाँ पे दोगे आप ओके इसी तरह से डॉलर एफ एन आपने वेरेबल दे दिया और यहाँ पे लिखा डॉलर अंडर स्कोर कैट और स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ क्लियर दे वेरिएबल भी वही होना चाहिए जो आपने के अंदर नेम दिया था ओके okay, जनाब तो डेटा उसने रिसीव कर लिया अब ये डेटा जो है मुझे कहाँ प्रिंट करना है यहाँ प्रिंट करना है या कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं आप कह दीजिए प्रिंट और आपने कह दिया कि माई नेम इज नेम इज और डॉलर एन ओके जनाब और अगर इस मतलब मैंने मैसेज को लार्ज एन uh, के फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप एच वन लिख दीजिए आप ओके okay. इसी तरह से आपने कहा फादर नेम प्रिंट करना है प्रिंट लिख दीजिए आप और आप कह दीजिए एच वन माई फादर नेम इज डॉलर एफ एन ओके okay. तो ये आपने प्रिंट कर दिया ठीक है है जनाब डेटा जो वो रिसीव होगा डॉलर गेट एसोसिएटिव जो एरे है सुपर ग्लोबल उसके जरिए और डॉलर एन ए वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएगा और नीचे जो है वो उसको प्रिंट कर देगा इसको सेव कीजिए फाइल को अब आप प्रोग्राम को रन करके देखें ठीक है इसको क्लिक क्लिक हेयर टू सेंड नेम एंड फादर नेम जैसे ही क्लिक करोगे तो देखें माई नेम इज़ तनवीर अहमद माई फादर नेम इज़ वसीम अहमद और डेटा रिसीव फ्राम हाइपर लिंक जो लिखा हुआ है मैसेज वो नीचे आ रहा है क्लियर इस बात को जहन रखेगा कि वो आपने नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई अगर चाहते हैं कि ये दो मैसेज जो है वो इसके नीचे आए या ये हेडिंग ऊपर आ जाए तो आप इस हेडिंग को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और यहीं पर ही आप कह दें प्रिंट और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए सिंपल क्लियर तो अब आपने जो डेट मैसेज प्रिंट किया वो थ्रू बाय पीएचपी के सेक्शन में प्रिंट करवाया आपने तो अब इसको फाइल को दोबारा सेव कर लीजिए और अब फिर एग्जीक्यूट कीजिए ठीक है डेटा रिसीव फ्राम हाईपर लिंग माई नेम इज तनवीर अहमद माई फादर नेम इज़ वसीम अहमद इस तरह से आपने क्या किया डेटा आपने रिसीव कर लिया ओके okay? तो ये एक तरीका एक और भी है और इसमें भी आप एक बात नोट कर लीजिए कि मैं जो हूँ यहाँ पर गेट की जगह के ऊपर मैं इस्तेमाल करता हूँ रिक्वेस्ट अब जरा देखते हैं कि यहां पर रिक्वेस्ट काम करता है या नहीं करता है? क्योंकि okay, रिक्वेस्ट जो है वो कहता है ये कि वो गेट और पोस्ट दोनों को दोनों के लिए इस्तेमाल किया था लेकिन जब आप फॉर्म के जरिए डेटा सेंड करते हैं और यहाँ पे जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं वो फॉर्म के जरिए नहीं कर रहे बल्कि हाइपर लिंक के जरिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हम प्रैक्टिकली uh, चेक करते हैं कि क्या आया रिक्वेस्ट के जरिए हम डेटा रिसीव कर सकते हैं इसी फाइल को दोबारा से सेव कीजिए और प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए और अब के एक काम और कर लीजिए कि डेटा जो यहाँ पे आपने लिखा था फॉर एग्ज़ाम्पल माइनपुट के अंदर तनवीर अहमद की जगह पर आप uh, कोई और नाम दे दीजिए मोहम्मद अली कर दीजिए ओके और एफ uh, नेम के अंदर आप दे दीजिए कामरान खान फॉर एग्ज़ाम्पल और चेक करते हैं इसको डेटा के किस के तरह से सेव होता है सेफ समाट से कि सेंड होता है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज यूजिंग बाय हाइपर लिंक और डेटा रिसीव बाय डॉलर रिक्वेस्ट ओके इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ से आप सेंड कीजिए जैसे आप सेंड करोगे देखें डेटा रिसीव फ्रॉम हाइपर लिंक माई नेम इज मोहम्मद अली माई फादर नेम इज कामरान खान तो डॉलर रिक्वेस्ट जो है याद रखिएगा ये बहुत पावरफुल कमांड है आप चाहे डेटा को आप गेट uh, मेथड के जरिए डेटा सेंड करें या पोस्ट मेथड के जरिए डेटा सेंड करें या हाइपर लिंक के जरिए डेटा सेंड करें तीनों केस के अंदर याद रखिएगा बल्कि कुकीज़ से भी अगर करें आप तो भी याद रखिएगा आप सिंपल डॉलर रिक्वेस्ट जो सुपर ग्लोबल एसोसिएटिव एरे वेरिएबल है उसके जरिए आप डेटा रिसीव कर सकते हैं क्लियर तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया आज और उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि डेटा किस तरह से सेंड करना है और किस तरह से आपने रिसीव करना है क्लियर तो याद रखिएगा आज हमने इनपुट सेक्शन को तो जो भी इनपुट सेक्शन के इनपुट हैंडलिंग के अंदर हमने जितने भी सुपर uh, ग्लोबल या ऑटो ग्लोबल एसोसिएटिव एरे वेरिएबल थे उनको हमने देख लिया और उनको हमने प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट भी करके देख लिया क्लियर तो यहाँ पर अब आपके पास Uh, तकरीबन तमाम एग्जांपल जो इसमें हैं वो मैंने करवा दी हैं आपने करना है क्या है मैंने डेमोस्ट्रेट कर चुका हूँ एक दफा ख़ुद भी आप जो इस बुक में चैप्टर नंबर फोर के अंदर जो तमाम एग्ज़ाम्पल्स हैं इनको एक दफ़ा आप करके देख लीजिए ख़ुद भी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इसके बाद अब आपने करना ये है कि चैप्टर नंबर फोर की जो एक्सरसाइज है वो आपने करनी है इसमें भी पांच थ्यूरिकल जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो फाइव हैं और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो भी फाइव हैं और इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव एम हैं वो भी वो सिक्स हैं तो ये आपने करने क्या है कि इनको आपने करना है एम एस वर्ड के ऊपर और वर्ड के ऊपर फाइल बना के आप सेव कर लेंगे और अपने पास भी फाइल में रख लेंगे जब मैं आपसे कहूँगा कि वो फाइल या तो अपलोड कर दें सेंड कर दें तो मुझे सेंड कर दीजिएगा या जब फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तब मैं उसको चेक कर लूँगा ठीक है यानी आपके पास एम एस वर्ड में सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी इसके के फाइल होनी चाहिए और हार्ड कॉपी के अंदर भी आपके पास ये फाइल होनी चाहिए क्लियर तो अब ये आपके चैप्टर फोर कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर वन से लेकर चैप्टर फोर तक तमाम क्वेश्चन आंसर अब आप प्लीज कर लीजिए और उसकी उनकी सॉफ्ट कॉपी भी रख लीजिएगा और साथ साथ उनकी हार्ड कॉपी भी बना के आप रखें क्लियर तो जनाब अब इंशाल्लाह हम आ, नेक्स्ट क्लास में आएंगे और हम इनपुट हैंडलिंग को थोड़ा सा हम अभी तक हमने सिर्फ टेक्सट बॉक्सेस को ही देखा है या हमने सिंपल हाइपर से डेटा सेंड किया है इसके अलावा इनपुट लेने के और भी जो है तरीके हैं तो उनके ज़रिए कैसे हम डेटा सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे तो वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे ठीक है और उसमें हम उसको कवर करेंगे अच्छा एक उसमें याद रखिएगा हमने अभी आज एक कॉन्सेप्ट को भी हमने आज क्लियर नहीं किया और वो है फाइल्स सुपर ग्लोबल में एक ऑप्शन रह गया फाइल्स का ठीक है इप, आ, इन फाइव ऑटो ग्लोबल थे डॉलर सलवर डॉलर पोस्ट डॉलर ग्यारह डॉलर रिक्वेस्ट डॉलर फाइल्स और एक ऑप्शन रह गया डॉलर फाइल्स का तो फाइल किस तरह सबमिट करते हैं मैं बहुत सिंपल वे में फिलहाल बता देता हूँ कोई तो मुश्किल चीज़ नहीं है तो आप क्या करोगे यहाँ पर सपोज करें माइनपुट फाइल के अंदर ही आप एक काम कर लीजिए कि यहाँ पर आप इसको एपल लिंक को रिमूव कर लें ठीक है और यहां पर एक फॉर्म इनपुट कीजिए फॉर्म और इसमें आप लिख दीजिए मेथड पोस्ट या गेट जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं उसके बाद यहां पे देंगे आप टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ठीक है ये जरूर कर लीजिएगा इससे आप किसी भी फाइल को आप सेंड कर सकते हैं किसी uh, फाइल को जो आप अपलोड करना चाहते हैं और एक्शन दे दीजिए आप कि कौन सी फाइल आप खोलना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सेंड फाइल ओके और सेंड फाइल डॉट पीएचपी पी ठीक है और यहाँ पर फॉर्म के टैग को क्लोज कर लीजिए और सिंपल यहाँ पर बीच के अंदर आप एक इनपुट ले एक इनपुट ले लीजिए इनपुट और टाइप के अंदर आप लिखेंगे फाइल क्लियर सिर्फ आपने क्या किया इनपुट टाइप के अंदर फाइल लिख दिया आपने और इसकी आपने आईडी दे दी आपने सपोज करें माय फाइल ठीक है और जो नेम है वो भी आप दे दीजिए माय फाइल ओके okay. और इसको आप क्लोज कर लीजिए ठीक है और इसके बाद इसको आप रन करके देखें अच्छा इस फाइल का नाम भी क्या है माई इनपुट फाइल है इसी को मैं फाइल का नाम मैं चेंज नहीं करता हूँ यही रखता हूँ इसको सेव कर लीजिए अब आप और इस फाइल को जरा एग्जीक्यूट करके देखें ज़रा ठीक है रिफ्रेश करता हूँ देखें इसका फाइल का नाम क्या है लोकल हो सुपर ग्लोबल और माइ फाइल इसको रिफ्रेश कर दिए देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखे अभी नो फाइल चूजन कोई फाइल आपने चूज नहीं किया यहाँ लिखा हुआ है चूज द फाइल आप जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे अक्सर देखा होगा आपने वो फाइल आपसे पूछता है कौन सी फाइल आपने सेंड करनी है फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है यहाँ पर एक ये अरसलान बन की फाइल है इसको मुझे सेंड करना है कोई भी पिक्चर फाइल भी हो सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है कोई भी एक्सेल की फाइल भी हो सकती है कोई भी फाइल आप जो है वो सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज आपने इस पर क्लिक कर दिया और इसको इसका नाम याद रखिएगा असलान वन लिखा हुआ आ रहा है जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर फाइव का नाम लिखा हुआ असलान वन अच्छा एक मैंने अभी वो इशू उसमें आ गया थोड़ा सा वो ये है कि आपने सेंड का बटन आपने बनाया तो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप इनपुट टाइप और इक्वल टू सबमिट ये आप बटन बना लीजिए फिलहाल और इसका नाम अगर देना चाहें दे सकते हैं फिलहाल अगर नहीं देना चाहते तो छोड़ दीजिए वैसे बेहतर है कि इसका आईडी डी और नेम दोनों दिया करें ठीक है और यहाँ पे जो भी अभी आप आपने काम किया इस ये प्योर एस्टीमल एस्टीमल की कोडिंग है इसका पी से फ़िलहाल यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है क्लियर सिंपल आपने एस्टीमल फॉर्म पर आपने काम किया अच्छा यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि कोई इनपुट कोई नाम भी अगर लेना चाहूँ तो वो भी ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा इनपुट टाइप और टेक्स्ट और यहाँ पे आपने दे दिया नेम इक्वल टू टी एक्स टी नेम और आई डी इक्वल टू टी एक्स टी नेम ये आप दे दीजिए फिलहाल और यहाँ पे मैंने बी आर का उसको क्लोज कर दिया और उसके बाद मैंने बी आर का टैग क्लोज कर दिया सिंपल और यहाँ पर मैंने इनपुट टैग मैंने सबमिट का बटन मैंने बना दिया क्लियर तो अब देखें कि क्या होता है इसको सेव कीजिए Host, global, file, HTML, रिफ्रेश कीजिए फाइल को लोकल हो सुपर ग्लोबल फाइल मा इस फा रिफ्रेश कीजिए देखें देख पे आपसे नेम भी इनपुट ले रहा है और साथ में आपसे फाइल भी इनपुट ले रहा है अच्छा यहाँ मैसेज लिखा हुआ नहीं आ रहा कि आपसे क्या चीज इनपुट ले रहा है तो आप सिंपल एक काम कीजिए या तो यहाँ पर लिख दीजिए आप नेम तो यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं ठीक तो है तो दोबारा रिफ्रेश कीजिए यहाँ लिखा हुआ है नेम यहाँ पर नेम इनपुट करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी फाइल आप जो है वो चूज करोगे तो नाम दे दिया सपोज करें आपने जावेद अहमद चूज फाइल पे क्लिक कीजिए यहाँ पे आपने जो फाइल चूज़ किए वो आपने अरसलान बन के की है कोई भी फाइल आप, आप भेजना चाहते हैं ओपन कीजिए फाइल ये आप यहाँ पे आ गई है अब जैसे ही सबमिट करेंगे ये याद रखिए ये बात कि अब जो फाइल वहाँ पे आपने नाम दिया था वो फाइल वहाँ मौजूद नहीं है देखिए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड क्योंकि यहाँ पे कौन सी फाइल मैंने बनाई है सेंड फाइल के नाम से तो आपको एक और फाइल एक और जो है फाइल बनानी पड़ेगी उसका नाम रखेंगे आप सेंड फाइल ओके तो फाइल पे जाइए न्यू कीजिए और यहाँ पर आप पी की फाइल क्रिएट कर लीजिए एक ठीक है और इसके टॉप के ऊपर आप पी का सेक्शन ऑन कीजिए और यहाँ पर जो है डॉलर नेम के लिए एन वेरिएबल ले लिया आपने और डॉलर अंडरस्कोर स्कोर रिक्वेस्ट का सुपर ग्लोबल यूज किया आपने और नाम दिया था आपने txt एक्स नेम जो इसका इंडेक्स नेम है वो आपने दे दिया और इसके बाद अब आप फाइल रिसीव करोगे तो वहां पे आपने कहा डॉलर फाइल नेम एक वेरियबल दे दिया आपने और इसके बाद आपने अगर फाइल नेम दे दीजिए और इसके बाद आप लिखोगे डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स क्लियर ये लिखेंगे आप फाइल को रिसीव करने के लिए याद रखिएगा फाइल्स लिखा जाएगा और यहाँ पे आपने जो नाम दिया था फाइल का वो था माय फाइल आई थिंक माय फाइल इसको चेक करना चाहें चेक कर लीजिए कि वहाँ पे नाम क्या दिया था तो माय इनपुट फाइल के अंदर आप देख लीजिए यहाँ पर आपने uh, जो आईडी uh, दी हुई है वो माई फाइल दी हुई है ठीक है ना नेम जो दिया हुआ आपने माई फाइल दिया हुआ तो नेम में याद रखिएगा जो चीज़ लिखेंगे वही आपने वहाँ पर आपने देना होगा तो यहाँ लिख दिया आपने माई फाइल और माय फाइल के साथ आपने क्या चीज ले रहा हो आप नेम ले रहा हो क्लियर इस बात को जह में रखिएगा कि आप नाम इनपुट ले रहे हैं ओके okay. इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं और यहां पर प्रिंट करना चाहते हैं सिंपल प्रिंट कर लीजिए प्रिंट माय नेम इज डॉलर एन ए और चाहे तो इधर एच वन दे दीजिए ताकि जो मैसेज प्रिंट आए वो थोड़ा सा हेडिंग के फॉर्म में आए और इसके बाद पोस्ट कर लीजिए उसके बाद प्रिंट और यहाँ पर एच वन और लिख दीजिए माई फाइल नेम इस डॉलर बिग वेरिएबल -E, है जो आपने ऊपर दिया हुआ है और इधर भी आप ये कर लीजिए ठीक है तो अब आप देखते हैं कि इसको कैसे रिसीव करता है और कैसे डिस्प्ले करता है इस फाइल का नाम इस फाइल का जो नाम रखेंगे याद रखिएगा सेंड फाइल रखेंगे आप क्लियर और सेंड फाइल के अंदर जो सेंड के अंदर एस कैपिटल है और फाइल के अंदर एफ कैपिटल है तो इसको सेव कर लीजिए सेंड फाइल के नाम से ओके okay? अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है तो बैक कीजिए इसको रिफ्रेश कर दीजिए नाम दे दिया आपने जावेद अहमद फाइल चूज किया आपने कोई भी आप फाइल आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं आपने कार्सलान ओपन किया आपने सबमिट कीजिए नोट कीजिए यहां पर देखें उसने माय नेम इज जावेद अहमद तो रिसीव कर लिया है लेकिन यूज ऑफ अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट नेम एज्यूम उसने वो एरर दे दिया है और लाइन नंबर थ्री पे वो आपको एरर दे रहा है तो लाइन नंबर थ्री पे क्या एरर है तो उसने लिखा हुआ यहाँ पर एक काम कीजिए इसको आप सिंगल कोटेशन में दे दीजिए नेम को और इसके बाद फाइल को सेव कीजिए और अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कीजिए बैक कीजिए ठीक है जावेद अहमद फाइल अरसनान वन है दोबारा से आप चूज फाइल कीजिए और असलान के नाम की फाइल को आप ओपन कर लीजिए और सबमिट कीजिए जैसे ही सबमिट करेंगे माय नेम इज़ जावेद अहमद लिखा हुआ वाला लेकिन फाइल का नाम उसने डिस्प्ले नहीं किया इसकी क्या वजह है कि माय फाइल के अंदर फाइल नेम आना चाहिए और यहाँ पर प्रिंट के अंदर एच वन के अंदर माय फाइल नेम इज़ डॉलर फाइल नेम को डिस्प्ले करना चाहिए था जो फाइल उसने रिसीव की है क्लियर तो इसको जरा देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है क्यों उसने एरर शो नहीं किया एरर भी शो नहीं किया और उसने डिस्प्ले भी नहीं किया क्लियर तो इसको जी आ, प्रोग्राम में देख लीजिए प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर मैंने आ, ये h1 लिख के मैंने टैग क्लोज नहीं किया था ठीक है फाइल को सेव कीजिए प्रोग्राम को दोबारा चला के देखते हैं ये देख लीजिए आप बैक कीजिए यहाँ पर आपने नाम दी सपोज़ कर इसको आप रिफ़्रेश कर लें पहले पेज को और नाम दे दीजिए आप सपोज़ करें कामरान अहमद फाइल चूज़ कीजिए आप आ, क्लास टू फॉर एग्जांपल ओपन कीजिए सबमिट कीजिए देखें माय नेम इज़ कामरान अहमद तो आ रहा है लेकिन दूसरी जो लाइन है वो डिस्प्ले नहीं हो रही उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपने यहाँ पर एच का जो टैग इस्तेमाल किया इसके टैग को आपने क्लोज़ नहीं किया था क्लियर तो आप उसको क्लोज़ कर लीजिए आप अच्छा याद रखिएगा Uh, यहाँ पे जो वेरिएबल दिया आपने फाइल नेम बिल्कुल ठीक दिया है डॉलर फाइल जो है वो आप कैपिटल में लिखेंगे ये आपका सुपर uh, ग्लोबल uh, जो है एसोसिएटिव एरे है और इसका जो वेरिएबल नेम uh, है इंडेक्स नेम है वो है माय फाइल ठीक है उसके साथ आप क्या चीज उठाना चाहते हैं नेम देना चाहते हैं उसका नेम आप फाइल का मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है नेम लिखा हुआ है क्लियर तो ये यह नेम यहाँ पे क्या हो जाएगी uh, उसकी जो नाम हो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा क्लियर अब इस फाइल को साथ सेव कीजिए और चला के देखें ठीक है बैक कीजिए यहाँ पर कामरान अहमद और इसको पहले रिफ्रेश लें चलें और आपके जावेद अहमद दे दिए फाइल चूज़ कर लीजिए आप सपोज़ करें एडमिनिस्ट्रेटर ये फाइल है इसको मैं दे लेता हूँ ओपन कीजिए उसके बाद सबमिट कीजिए देखें माय नेम इज़ जावेद अहमद माय फाइल नेम इज़ एडमिनिस्ट्रेटर डॉट जे ओके दोबारा से आप र, आ, बैक कीजिए आपके आप आप नाम जावेद अहमद ही दे, दे दीजिए आप लेकिन चूज करें कोई और फाइल चूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अब क्या आपने फाइल चूज की है आपने ये कर लीजिए आप मुसब वन ब्लू वन ये फाइल है इसको हम देख लेते हैं इस फाइल को कैसे सेंड करते हैं तो यहाँ नाम लिखा रहा है मुसह वन वन ब्लू वन डॉट जे जे सबमिट कीजिए तो देखें माई नेम इज़ जावेद अहमद uh, माई फाइल नेम इज मुस वन वन ब्लू वन डॉट जे पी जी फाइल्स ने आपको शो कर दिए क्लियर एक बात का ख्याल कीजिएगा के नाम के साथ साथ मैं अगर इस फाइल का साइज भी मैं रिसीव करना चाहूं तो डॉलर फाइल साइज इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स स्क्वायर ब्रैकेट और उसका नाम जो था माई फाइल ओके और अब के आप देंगे नेम की जगह पे आप दे दीजिएगा साइज ठीक है तो याद रखिएगा एक फाइल की जो आ, जो इन्फॉर्मेशन है वो नाम के साथ साथ उसका साइज़ भी कभी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी आपको याद होगा कि अक्सर आप फाइल अपलोड करते हैं और वो मना कर देता है कि इस इससे बड़ी फाइल जो है वो अपलोड नहीं होगी या फाइल का साइज़ बहुत छोटा है तो वो फाइल अपलोड नहीं होगी तो इस तरह से वो फाइल के साइज़ को भी चेक कर लेता है अब मैंने यहाँ पर फाइल साइज़ दिया है और मैं यहाँ पर जाऊँ तो फाइल का साइज़ भी डिस्प्ले कर सकता हूँ तो प्रिंट लिख दीजिए आप और यहाँ पर कह दीजिए एच वन माई फायल साइ डॉलर साइस इन बाइस लिख दीजिए या चाहे तो बाइट्स लिख दें दे या के बी लिख दें दे मर्जी आपकी बाइट्स या के बी जो भी है फिलहाल देखते हैं कि वो क्या शो करता है सेव कीजिए प्रोग्राम को और दोबारा से रन कीजिए यहाँ पे बैक कीजिए जावेद अहमद नाम है फाइल का नाम कुछ और ले लीजिए सपोज के फाइल का नाम अरसलान वन है ओपन कीजिए सबमिट कीजिए लिखा हुआ है माई नेम इज़ जावेद अहमद माई फाइल अरसलान वन डॉट जे पी जे माई फाइल इज सेवन थ्री सिक्स थर्टी इन बाइट्स याद रखेगा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी ये बाइट्स की फॉर्म में उसने आपको शो कर दिया है फाइल का साइज उसने मैंशन कर दिया है क्लियर तो इस तरह से फाइल के साइज के साइज के साथ साथ उसका जो एट्रीब्यूट है और Uh, जो डेट uh, है टाइम है वो भी आप चाहें तो वो रिसीव या रिसीव करना चाहें तो रिसीव कर सकते हैं क्लियर तो ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से आप फाइल का नाम जो है आप सेंड करेंगे फ्रॉम वन पेज टू अनादर पेज ओके या फाइल का साइज कैसे गेट करेंगे या फाइल का नाम कैसे गेट करेंगे तो इस तरह से इसको इन, इनको भी आप इनपुट हैंडलिंग से आप इजिली इस प्रॉब्लम इस को आप सॉल्व कर सकते हैं क्लियर तो डेटा आपने एक फॉर्म बनाना है उस, उस फॉर्म के ऊपर डेटा आपने कोई भी कुछ भी इनपुट करेंगे उसमें अपनी फाइल भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं और दूसरे एंड के ऊपर यानी बैक एंड के ऊपर पी एच पी के थ्रू उस इंफॉमेशन को आप कैड कर सकते हो या इनपुट ले सकते हो तो जनाब आज का टॉपिक जो है यहाँ पर हम सब क्लोज़ करते हैं और इन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इस, इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को भी इनपुट करके देखेंगे ताकि इनपुट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए तो इन शब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज